हेलो एवरीवन, मैं अमरी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम सब करने वाले हैं कक्षा 6 और 7 की जो गणित की कार्य पुस्तिका, उस कार्य पुस्तिका का कार्य पत्रक 110। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज के कोणों को मापकर त्रिभुज के नाम, न्यून कोण, समकोण, अधिकोण लिखिए। न्यून कोण का मतलब होता है इसके 90 से कम। तीनों कोण यदि 90 से कम है तो न्यून कोण। समकोण में एक कोण 90 डिग्री का होगा, अधिक कोण में एक 90 से अधिक होगा, 90 से अधिक, ठीक है ना। न्यून कोण सारे कोण 90 से कम, समकोण में एक कोण 90 का होगा, अधिक कोण में एक कोण 90 से अधिक का होगा। सबसे पहला तो समकोण है, इसमें देखो 60, 50 और 70 है, सारे ही 90 से कम है तो वो न्यून कोण हो जाएगा, न्यून कोण। अब ये एक 90 से अधिक है, इसमें जो 90 से अधिक है तो वो अधिक कोण, अधिक कोण, ठीक है ना। अगला, इसमें 2 60 है तो तीसरा भी 60 होगा, तो ये होगा न्यून कोण। इसमें तीनों ही 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा, न्यून कोण। इसमें भी 90 है, 90 का मतलब होता है समकोण। तो ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, मेजरमेंट करना है, ठीक है ना। तो डी लेना है आपको, चंदा लेना है और नापना है कि कितने डिग्री का कोण है। तो पहला जो कोण है इधर वाला, वो हमारा है 75 का। कितने डिग्री का है, 75 का। नेक्स्ट, और ये है 70 का। नेक्स्ट रह गया इसका, तो ये हमारा है 35 का। कितना है, 35 का। अब जब ये तीनों 90 से कम है तो ये न्यून कोण होगा। ठीक है, न्यून कोण। नेक्स्ट, पहला कोण 75 का है, ठीक है ना। नेक्स्ट को मेजरमेंट करके देखते हैं, ये कितने का आ रहा है, ये 70 का, सेम है 70, और ये कितने का होगा, 35 का। तो ये भी क्या हो जाएगा, न्यून कोण, ठीक है ना। नेक्स्ट में 125 का है, तो ये अधिक कोण है, अधिक कोण, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसका मेजरमेंट नहीं भी करेंगे तो ये न्यून कोण में ही आएगा। 60 का है ये, 60 का, तो ये भी 60 का होगा, 2 60 के हैं तो तीसरा भी किसका होगा, 2 60 60 के है ना, तो तीसरा भी किसका होगा, 60 का होगा। ये भी क्या है, न्यून कोण। नेक्स्ट, पिचहत्तर, ये भी कितना होगा, 75, और ये कितना हो जाएगा, 30 का। तो ये हमारा हो गया न्यून कोण, और ये दिखने में हमें दिख रहा है अधिक कोण। मेजरमेंट नहीं भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, अधिक कोण, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा कार्यपत्रक, कौन सा कार्यपत्रक, 110, जिसमें हमने सीखा त्रिभुज कोण के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।